छत्तीसगढ़ना रायपुरमा कांग्रेसनुं महाअधिवेशन जी न्यूज पर छत्तीसगढ़ना सीएम भूपेश बघेलनुं एक मोटू निवेदन सामे आव्युं छे। 2024मां राहुल गांधी प्रधानमंत्री पदना उम्मीदवार बने। 2024 लोकसभा चूंटणीमां पीएम मोदी सामे राहुल गांधी उम्मीदवार होय। मारी व्यक्तिगत इच्छा छे के राहुल गांधी उम्मीदवार बने। पीएम पदना उम्मीदवार ने कांग्रेस हाईकमांड आ बाबते निर्णय करशे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है। भूपेश जी, 3 दिनों तक ये महाधिवेशन चला, यहाँ से कांग्रेस की आगे की दशा दिशा कैसे होगी, कैसे बीजेपी का सामना करेंगे 2024 और 2023 में? पहली बात ये, कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन लाया गया है, जिसमें एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को स्थान देने की बात, महिलाओं को स्थान देने की बात कही गई, वो बड़ा परिवर्तन है। और दूसरी बात यह कि देश की राजनीति या इस मंच के माध्यम से राजनीति प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, विदेश नीति प्रस्ताव, युवा और महिलाओं के लिए प्रस्ताव, एसटी एससी ओबीसी के लिए प्रस्ताव, किसानों के लिए प्रस्ताव, ये सारे प्रस्ताव पारित हुए। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, मोदी के सामने कौन लड़ेगा कांग्रेस की तरफ से? ये तो पार्टी तय करेगी, और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं राहुल जी चाहता हूँ कि वो सामने आए। अच्छा, आप चाहते हैं राहुल जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने? जी। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं, कितनी चुनौती बीजेपी की तरफ से मिल रही है? एक तरफ रमन सिंह ट्वीट करके महाधिवेशन पर निशाना साध रहे हैं, अनुराग ठाकुर से कई सवाल पूछ रहे हैं, कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में तय करना है कि वो किसके नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री रहे, क्या वो उसको चेहरा कर रहे हैं या उसके अलावा कोई कर रहे हैं, ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पाई। देखिए, एक बड़ी खबर यहाँ पर भूपेश बघेल की तरफ से दी गई है कि वो चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2024 के लोकसभा चुनाव में बने। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़। नेहा विजय, मुगमदीर समाचार।